मित्रों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जो प्रस्ताव माननीय राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने रखा, जिसे सभी दलों ने, घटक ने समर्थन अनुमोदन किया, वह सदन के सामने रखा जाता है। आप सब से निवेदन है कि करतल ध्वनि के साथ इस मैं एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि वो सामने मंच पे बाहर आकर के माननीय मोदी जी का स्वागत करें। सब लोग माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए के सभी घटक दलों ने उनको अपना समर्थन दिया और साथ ही साथ तमाम सांसदों ने मिलकर उनको अपना नेता चुन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी, जिनको अभी अभी सबने मिलकर माला पहनाई और इस बात को कंफर्म किया कि उनको संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, यानी कि एनडीए के लिए एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री का चेहरा है वो नरेंद्र मोदी ही होंगे, उसकी जो औपचारिकता है वो अब पूरी हो गई है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए संबोधन प्रदान करें, हम सब लोग करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है, और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए
मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोग के साथ, और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं सब संसदीय दल की। और आप प्रधानमंत्री अंतर दाखिल होते हुए नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे संसदीय दल के नेता, 293 सीटों के साथ बहुमत में सरकार बनाने जा रही है एनडीए, और अपने जितने भी घटक दल हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। कुछ देर में सर्वसम्मति के साथ एक औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का, 292, और हम आपको वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का भी आंकड़ा दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें 293 सीटों के साथ अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। शपथ 9 तारीख का अभी फिलहाल जो खबर है वो 9 तारीख को शाम के 7 बजे शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी तारीख को लेकर पूरी तरह से जब ऐलान कर दिया जाएगा। और उससे पहले जो तस्वीर सामने आ रही है वो पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की है, जहां पर आज एनडीए के घटक दल मौजूद हैं। एनडीए के संसदीय दल की बैठक चल रही है और अब रिसीव करके जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेकर आ रहे हैं, और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तो शपथ तीसरी बार अब वो लेंगे 9 तारीख को, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। सर्वसम्मति से पहले ही हमने देखा था घटक दलों की जब मीटिंग हुई थी एनडीए संसदीय दल की, इससे पहले उसी में चुन लिया गया था। सुनते हैं, स्वागत है भाई स्वागत है। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की वंदे। स्वागत है भाई स्वागत है। हमारा लिए बड़ा गर्व और हर्ष का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो गमछा और पुष्प गुच्छ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वागत है भाई स्वागत है। फिर तीसरी बार